नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन कुमार गोयल ग्रामीण विकास संस्थान कोटा के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज मैं आपके सामने हमारे कीट नियंत्रक इकाई के रूप में इसका जो परिचय है वो मैं करवा रहा हूँ। जहाँ पे भी जैविक खेती की बात करते हैं तो कीट नियंत्रण का विषय अपने आप में एक अलग रूप में उभर के आता है। कीट नियंत्रण के अंदर, वैसे हम जैविक खेती के अंदर प्राकृतिक तरीके से नियंत्रण करने की बात करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर के अंदर प्राकृतिक नियंत्रण थोड़ा असहज लगता है, क्योंकि जब जीव जीवसीय भोजनाम अस्ति, जंतुनाम जीवनाम कृषि अस्ति, इस तरह के सिद्धांत यहाँ पर लागू होंगे, लेकिन एक जीव को दूसरा जीव खाने वाला भी तो यहाँ पर लाभदायक होना चाहिए। इस तरह जंतुनाम जीवनाम कृषि के अंदर जंतु इतने होने चाहिए कि वो खेती के अंदर योगदान दे, तो शुरुआती दौर के अंदर इनकी संख्या कम होती है, लेकिन बाद में बढ़ती जाती है तो इनका रोल धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में इसका रोल महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहती है। आज हम आपको परिचय करवा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कीट नियंत्रक होते हैं जिसके उपयोग से हम खेती में कीटों से अवर को निजात ले पा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि पहले तो हम आपको बता दें कि अग्नास्त्र, ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र, हमारा काम इनके ऊपर नहीं है। कारण यह है कि अग्नास्त्र अलग चीज़ है, निमास्त्र अलग चीज़ है। हम लोग किसानों को ये कहते हैं कि आप अपने वहाँ के स्थानीय वनस्पति जिस पर कीट नहीं लगते हैं, जैसे हमने एक ही नाम दिया है यहाँ पर वानस्पतिक अरक, इसका इसलिए दिया कि कौन अदरक ढूंढेगा, कौन मिर्ची ढूंढेगा, कौन लहसुन ढूंढेगा, आपके वहाँ जैसी वनस्पति है वहाँ आप स्वयं प्रयोग करके देखें कि इतने किलो वनस्पति से इतने लीटर के अंदर ऐसा करने से इतने कीट नियंत्रित हो जाते हैं, वो आपका अपना एक नुस्खा हो जाता है, आप उसको उपयोग में लें। जोधपुर प्रांत के अंदर अलग चलेगा, जयपुर प्रांत में अलग चलेगा और चित्तौड़ प्रांत में अलग चलेगा। इस तरह ये नुस्खे आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि आप उन नुस्खों को अपना नुस्खा बना के उसको ज़्यादा प्रचार में लेके आएंगे तो मुझे है कि वो ठीक नहीं है। कारण क्या होता है कि वो नुस्खे वहां पर जाके लागू नहीं हो सकता। वहां कीटों की स्थिति क्या है, वहां कीट कितनी कंडीशन में, कितनी मात्रा में है, वो कौन सी फसल है, नमी कैसी है, तापमान कैसा है, ये सब चीज़ों को देखने के बाद में कोई ना कोई कीट नियंत्रक वहाँ पर काम करेगा। आज मैं ये कह देता हूँ कि ये ब्रह्मास्त्र आपके वहाँ काम करेगा। ब्रह्मास्त्र किस स्थिति में काम करेगा, कुछ किसान भाई कहते हैं कि इसको बुवाई से अपने बच्चा कीट आने से पहले उपयोग ले लें, तो कब तक लेते रहना है, हर रोज़ स्प्रे करना है कि 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, ऐसा शेड्यूल बन पाना मुश्किल है। तो हमारा यही आग्रह रहता है कि आप स्वयं प्रयोग करें, प्रयोग धर्मिता अंदर आपकी जो चल रही है उसको आप बाहर लेके आएँ। तो आज हम परिचय करवा रहे हैं, जैसे कि ये वानस्पतिक अरक हो गया, तो वानस्पतिक अरक के अंदर अलग अलग अरक आपके सामने है, आप इनका उपयोग करें और बनाएं और खेत के अंदर डालें। इसमें हमारे जो बेहतरीन विकल्प के रूप में हम जो काम में लेते हैं, जैसे गौमूत्र है, गौमूत्र किसी तरह की कीट नियंत्रण के साथ पोषक तत्व के रूप में भी काम करता है, और पोषक तत्वों के लिए आज हम बात करें तो गौमूत्र एक बेहतरीन विकल्प है और कीट नियंत्रक के रूप में भी आसानी से ये काम करता है। 100 लीटर में 10 लीटर गौमूत्र एक बेहतरीन भूमिका निभाता है। इसी के अलावा नीम भी बेहतरीन भूमिका निभाता है। नीम तेल, करंज तेल, महुआ तेल, महुए की खली, नीम की खली, करंज की खली, ये सब कीट नियंत्रक की अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सब बातें कीट नियंत्रक, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ कि कैसे क्या बनाना है, मेरा इतना सा आग्रह है कि आप लोग अपने स्वयं के खेत पर स्थानीय वनस्पति से कीट नियंत्रण करके छोटे स्तर पर प्रयोग करके बड़े स्तर पर इसको लागू कर सकते हैं। धन्यवाद।